वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 के सेकंड टॉप वेरिएंट VXi का और जानेंगे ये कार आपको कौन कौन सी फीचर, स्पेसिफिकेशन और कितने प्राइस रेंज में मिल जाती है। तो सभी डिटेल के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कंपेयर करो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि इसका नाम ऑल्टो 800 है तो इसके अंदर आपको 0.8 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। VXi वेरिएंट के साथ आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, LXi वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर आपको CNG भी ऑफर की जाती है। ये इंजन आपको 35.3 किलोवाट की पावर और 69 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। ये कार आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर की जाती है और करीब माइलेज इसके अंदर आपको 22 के आसपास का मिल जाता है। सामने से देखने में इस कार का लुक कुछ इस तरीके का नजर आता है, जहां पर ब्लैक कलर की ग्रिल है, पीछे में सुजुकी का लोगो दिया गया है। हेलोजन टाइप आपको इसके फ्रंट हेडलैम्प्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के डिजाइन में। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको बॉडी कलर का जो बम्पर है वो इस वेरिएंट के अंदर मिल जाता है। लोअर ग्रिल आपको ब्लैक कलर में मिलती है और इसके ऊपर आपको मैश डिजाइन देखने को मिल जाएगा। साइड से भी इस कार का लुक काफी अच्छा है, छोटी सी कार है और ज्यादातर फर्स्ट टाइम बायर्स की ये पहली चॉइस होती है। फीचर्स देखें तो यहाँ पर आपको 12 इंच के प्रोफाइल के साथ इसके स्टील लिम्स मिलते हैं, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कलर के व्हील कवर्स दिए जाते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर्स ऑफर किए गए हैं। फ्रंट फेंडर्स के ऊपर ही आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है ये आपको ब्लैक कलर में दिए गए हैं, जिसको आपको मैन्युअली एडजस्ट ही करना होगा। ए पिलर के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रेडियो एंटीना मिल जाता है कुछ इस तरीके से। साथ ही डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर के ही दिए जाते हैं। बॉडी के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉडी साइड क्लैडिंग भी दी गई है ब्लैक कलर के अंदर, जिसके ऊपर आपको ऑल्टो की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इस कार का रियर का प्रोफाइल मिलता है, जहाँ पर आप सबसे ऊपर देखें तो इसकी रूफ के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का जो डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाता है। रियर विंडशील्ड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की तरफ मिल जाता है इसके हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की पोजीशन। रियर विंड स्क्रीन काफ़ी प्लेन है, इसके ऊपर आपको वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं मिलते। यहाँ पर देखें तो सुजुकी के लोगों के नीचे आपको बूट ओपन करने के लिए की इंसर्ट पॉइंट मिल जाता है। हेलोजन टाइप ही आपको इसके जो टेल लैंप्स हैं वो मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ी शेप के अंदर आते हैं। साथ ही फ्रंट की तरह ही आपको जो रियर बम्पर्स हैं वो भी बॉडी कलर के ही दिए गए हैं और इसके दो पॉइंट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, जो कि अपने सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है। चलिए चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और देखते हैं कि इंटीरियर में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, डोर की ओपनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की मिलती है। कंप्लीट जो इस कार का इंटीरियर है वो डुअल टोन में है, यानी कि यहाँ पे आपको ब्लैक और बेज कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। कुछ जगहों पे आपको सिल्वर के इंसर्ट्स भी दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर की। तो मिरर को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक मैनुअल नॉब मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर डोर पैड पर देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक का स्विच। इनसाइड डोर हैंडल जो है वो आपको मिलता है सिल्वर के फिनिश के साथ। डोर पैड के ऊपर आपको प्लास्टिक का फिनिश दिया गया है। ये पोर्शन देखें तो ये भी प्लास्टिक के फिनिश में ही मिलता है। नीचे की तरफ आपको कुछ डॉक्यूमेंट होल्डर्स मिल जाते हैं, बॉटल स्पेस नहीं मिलता। साथ ही स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं फ्रंट टू, जो कि डोर्स पे लगे होते हैं। बात करें इंटीरियर फीचर्स की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो इंटीरियर है वो डुअल टोन के फिनिश में मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपको ब्लैक एंड बेज कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑफर किया गया है। स्टेयरिंग व्हील आपको पावर्ड मिलती है और यहाँ पर आप देखें तो सर्कुलर स्टेयरिंग व्हील आपको दिया गया है, जिसके ऊपर आपको सिल्वर के जो एक्सेंट्स है वो मिल जाते हैं। बीच में सुजुकी का लोगो है। दो एयरबैग इस वेरिएंट में आते हैं, एक ड्राइवर साइड में एक को ड्राइवर साइड में आपको दिया गया है, लेकिन स्टेयरिंग व्हील फिक्स्ड है, इसको आप किसी प्रकार से एडजस्ट जो है वो नहीं कर पाते। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो यहाँ पे बिल्कुल ही आपको बेसिक से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है कुछ इस तरीके का, और जितनी भी इंडिकेशन है छोटी सी MID स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाती है। आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको जो सेंटर कंसोल है वो कम्प्लीटली ब्लैक दिया गया है। सिल्वर की जो फिनिशेस हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बीच में आपको स्मार्ट प्ले डॉक टाइप का जिसका म्यूजिक सिस्टम है वो ऑफर किया गया है। कुछ तरीके का आपको डुअल टोन का मैनुअल म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर आपको ऑक्स और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। USB का आपको कनेक्शन यहाँ पर ऑफर किया गया है कुछ इस तरीके से। नीचे की तरफ आपको मैनुअल AC जो इसके मिल जाते हैं, AC विद हीटर आपको दिया गया है। 12V का एक चार्जिंग सॉकेट है और यहाँ देखें तो यूटिलिटी स्पेसिस है। ट्विन आपको कप होल्डर मिल जाता है। 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन है, जिसका लीवर आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है। यहाँ पर देखें तो आपको पावर विंडो कंट्रोल दिए जाते हैं, सेंटर में दिए गए हैं, डोर्स पर ये माउंट नहीं मिलते। तो सेंटर में आपको फ्रंट टू पावर विंडो का जो कंट्रोल है वो दिए गए हैं, रियर में आपको पावर विंडो नहीं मिलती। यहाँ पर देखते हैं तो पार्किंग ब्रेक लीवर है विद ब्लैक टिप के साथ और कुछ इतना स्पेस यहाँ पर मिलता है। आफ्टर मार्केट आप चाहें तो यहाँ पर आर्मरेस्ट का भी इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं।
यहाँ पर देखें तो आपको ड्राइवर साइड सनवाइजर में कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया जाता है। इन साइड रियर व्यू मिरर जो है ये आपको डे नाइट टाइप नहीं मिलता, ये मैनुअल टाइप का है, इसको आपको हाथ से इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। डे नाइट का लेकिन एडजस्टमेंट नहीं दिया जाता। एक कैबिन लैंप है जो कि हैलोजन टाइप का दिया गया है और पूरे कैबिन में यही एक लैंप आपको ऑफर किया गया है। बाकी यहाँ पर देखें को ड्राइवर साइड में आपको एक सनवाइजर मिलता है, वैनिटी वगैरह नहीं ऑफर किया जाता। ग्रैब हैंडल है वो भी फिक्स टाइप का, इसको आप कोलैप्स नहीं कर पाएंगे। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है कुछ इतने स्पेस के साथ, तो यहाँ पे आपको कूलिंग वगैरह नहीं दी जाती। खैर जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है उस हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक आपको यहाँ पर फीचर्स भी ऑफर मिल जाते हैं। साइड एसी वेंट्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके का सिल्वर कलर का इस पर फिनिश दिया गया है। और इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग का जो स्विच है वो मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक हुड रिलीज का लीवर मिल जाता है, पैडल्स मिल जाते हैं, डेड पैडल वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं किया गया। यहाँ से आप अपने बूट को और फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से मैनुअली। बात करें सीट की तो यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, डॉल टोन यहाँ पर भी फिनिश मिलता है, ब्लैक एंड जो बेज कलर का कॉम्बिनेशन है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का जो टेक्सचर है उसका इस्तेमाल किया गया है। फोर वे एडजस्टेबल है, इसको आप जो है रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड कर पाएंगे। चलिए अब हो गई फ्रंट की बात, अब चलते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल में, देखते हैं वहाँ पर कौन कौन से फीचर ऑफर किए जाते हैं। तो रियर डोर की आप ओपनिंग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी आपको मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर देखें तो इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर भी आपको सिल्वर के फिनिश के साथ दिया गया है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के जो स्विचेस हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। आपको पीछे की तरफ मैनुअल जो विंडो है ऑपरेशन वो मिल जाता है। प्लास्टिक के फिनिशेस दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बोतल होल्डर वगैरह नहीं दिया जाता। चाइल्ड लॉक का फीचर दिया जाता है जिससे आप यहाँ से ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। रियर सीट देखें तो यहाँ पर भी आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है डुअल टोन फिनिश के साथ। साथ ही यहाँ पर आपको जो इसके हेडरेस्ट हैं वो भी इंटीग्रेटेड टाइप के ही दिए गए हैं, फ्रंट की तरह ही एडजस्ट आप कोई से भी हेडरेस्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए इंटीरियर में बैठ कर देखते हैं कितना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। बैठने के बाद ऑल्टो के अंदर आपको डिसेंट साइज स्पेस मिलता है अकॉर्डिंग टू साइज़ देखा जाए तो। ये सीट जो है मैंने बिल्कुल ही पीछे की हुई है, तो अगर आप आगे करके थोड़ा चलाते हैं तो आपके पास बैठने के लिए लेग रूम जो है वो थोड़ा सा ही बचता है। और ठीक है, ठीक ठाक स्पेस मिलता है, मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बाकी अगर आपको सिटी टू सिटी ड्राइव करने के लिए गाड़ी चाहिए तो उसके लिए इतना लेग रूम अकॉर्डिंग टू सेगमेंट काफ़ी ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको फीचर्स में क्या क्या मिल जाता है। तो हेडरेस्ट जो है इसके वो आपको फिक्स मिल जाते हैं, फ्रंट की तरह ही आपको यहाँ पर भी जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो प्रोवाइड की गई है। स्पेस यहाँ पर आपको कुछ इतना बचता है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर पॉलिथीन वगैरह है तो आपको थोड़ा कंजेस्टेड फील हो रहा होगा बिल्कुल, तो ये थोड़ा रिमूव हो जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा और आपको स्पेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। छोटी गाड़ी है लेकिन स्पेस के मामले में सेगमेंट वाइज ठीक ठाक स्पेस आपको ऑफर कर देती है। ग्रैब हैंडल्स आपको दोनों ही साइडों में मिल जाते हैं, वो भी फिक्स टाइप के कुछ इस तरीके से। बाकी कैबिन लैंप मैंने बता ही दिया था आपको, एक ही मिलता है फ्रंट के अंदर। चलिए बूट चेक करते हैं, तो बूट ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ पर की इंसर्ट पॉइंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही ऑल्टो 800 के अंदर आपको 177 लीटर का जो बूट स्पेस है वो ऑफर किया जाता है। पार्शल ट्रे आपको मिल जाती है रिमूवेबल टाइप की, स्पेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्पेस है, तो डिसेंट सा यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है, तो ज़्यादा कुछ आप यहाँ पर रख भी नहीं पाएंगे। नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको 12 इंचेस का जो है अपना स्टीरिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, सेम प्रोफाइल है जो कि आपको व्हील्स में मिल जाता है। बाकी दोस्तों सेफ्टी फीचर्स के मामले में इस कार के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयर बैग है, एबीएस विद ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर मिल जाते हैं। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको फ्यूल फिलिंग के लिए ऑप्शन मिलता है, 35 लीटर की आपको इसके अंदर पेट्रोल की टंकी मिल जाती है। दोस्तों बात करें प्राइस की तो इस कार का एक्चुअल कॉस्ट है 4,12,500 रुपीज़ का और ये ऑन रोड कॉस्ट आपको करीब 4,50,000 रुपीज़ के आसपास जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।